हालांकि मैंने बोला कुछ और था और उसको कुछ का कुछ ही चाइनीज विस्पर हो गया ये। बहुत लड़कियों ने इसको एक्सप्लॉइट किया है, इस प्लेटफॉर्म को, जिन लड़कियों ने फिजूल में लोगों के नाम लिए हैं और उनको ये नहीं पता है कि उन लोगों की लाइफ कितनी ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है। सब जगह पर होती है, ऑफिसेज में होती है, कॉर्पोरेट पे कितने बड़े लेवल पे होता है, जस्ट टॉक अबाउट इट। हम हमेशा लाइमलाइट में रहते हैं बिकॉज वी आर ऑलवेज फेसिंग द कैमरा। डेफिनेटली कास्टिंग काउच होता था, बहुत लोगों ने फेस किया है, मैंने भी किया है कहीं ना कहीं। काफ़ी अच्छी फिल्म है, इट इज़ अबाउट पॉलिटिकल फैमिली ड्रामा एंड आई एम प्लेइंग हिज स्टेप डॉटर, नॉट डॉटर, एंड आई एम प्लेइंग मनीषाज रियल डॉटर। जहाँ रिसेंटली आपने एक मीटू पर बयान दिया था जिसे मिसकोटेड भी कर दिया था लोगों ने, क्या कहना चाहेंगे उस चीज़ को लेकर, अगर यहाँ पर टेली मसाला पर अगर आप उस चीज़ को क्लैरिफाई करना चाहें? क्लैरिफाई क्या करना है, एवरी वन वॉन्ट्स टू नो अबाउट दैट ओनली। हालांकि मैंने बोला कुछ और था और उसको कुछ का कुछ ही चाइनीज विस्पर हो गया ये। बट यूजली होता है, सबके साथ होता है, आप बोलते कुछ और हो और जब तक सामने वाले तक बात पहुँचती तो कुछ और ही निकल कर आती है। बट आई जस्ट सेड दैट बहुत लड़कियों ने इसको एक्सप्लॉइट किया है, इस प्लेटफॉर्म को, और इट वॉज अ गुड कैंपेन। बट इफ समवन रुइंस द कैंपेन, टेक्स द मनी, कीप शट अबाउट इट, देन दैट शुड नॉट बी एक्सेप्टेबल। एंड ऑल्सो आई हैड सेड दैट सेक्शुअल हैरेसमेंट मेन के साथ भी होती है, नॉट ओनली वुमेन। एंड जिन लड़कियों ने फिजूल में लोगों के नाम लिए हैं, उनको ये नहीं पता है कि उन लोगों की लाइफ कितनी ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है, उनकी फैमिली, उनका करियर, उनके करियर ख़त्म हो गए, पीपल डोंट वांट टू वर्क विद देम, दे आर डीलिंग विद मेंटल डिप्रेशन एंड व्हाट नॉट। सो जस्ट अक्यूजिंग समवन आउट ऑफ रेज और समथिंग इज़ नॉट अप्रोप्रिएट एंड दैट्स व्हाट आई मेंट एंड आई स्टिल स्टिक टू माई वर्ड्स एंड स्टिल वाउच फॉर माई वर्ड्स व्हाट आई सेड, आई कम्प्लीटली बिलीव इन इट। अच्छा, आपने इंडस्ट्री में लेकिन बहुत एक लंबा समय बिताया एक तरीके से, और आपने जो भी कहा वो आपके एक्सपीरियंस से ही कहा है, तो कुछ कहना चाहेंगे कि क्या आपने पर्सनली जब आप टीवी कर रही थी या फिर जब आपने बॉलीवुड की भी मूवीज की, तो कभी ऐसा कुछ फील हुआ कि कास्टिंग काउच जैसी चीज़ें अभी भी एग्जिस्टिंग है? मतलब खुद के साथ तो नहीं, अगर हुआ हो तो दूसरों पर भी साथ ऐसा कभी आपने फील किया? ऑफकोर्स होती ही है ना, ये तो बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं, और सिर्फ हमारी इंडस्ट्री में ही क्यों, सब जगह पर होती है, ऑफिसेज में होती है, कॉर्पोरेट पे कितने बड़े लेवल पे होता है, जस्ट टॉक अबाउट इट। बट हम हमेशा ग्लैमर में रहते हैं, इसलिए हमारी बातें मीडिया में बहुत खुलेआम पता लगती है कि इंडस्ट्री यानी फिल्म इंडस्ट्री, व्हाट इंडस्ट्री, कम ऑन, वी ऑल बिलोंग फ्रॉम दिस आर्ट सिनेमा विच वी कॉल फिल्म इंडस्ट्री। एंड सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में नहीं होती है ये चीज़ें, बहुत जगहों पर होती हैं, कॉर्पोरेट में होती है, हर जगह पर, पॉलिटिक्स की बात करें तो पॉलिटिक्स में होती है, सब जगह पर होती हैं यार। बट हम हमेशा लाइमलाइट में रहते हैं बिकॉज वी आर ऑलवेज फेसिंग द कैमरा। बट आई वुड स्टिल लाइक टू से दैट आर सिनेमा हैज़ इवॉल्व्ड, वी हैव इवॉल्व्ड, एंड सिनेरियो अब वैसा नहीं है जैसे पहले हुआ करता था। डेफिनेटली कास्टिंग काउच होता था, बहुत लोगों ने फेस किया है, मैंने भी किया है कहीं ना कहीं, बट अब चीज़ें वैसी नहीं है, एंड आई एम ग्लैड कि अब चीज़ें वैसी नहीं है। प्रस्थानम में आप नजर आ रही हैं एज अ संजय दत्त की डॉटर, तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस इस मूवी के साथ? एक्सपीरियंस वॉज वेरी गुड एंड काफ़ी अच्छी फिल्म है, इट इज़ अबाउट पॉलिटिकल फैमिली ड्रामा एंड आई एम प्लेइंग हिज स्टेप डॉटर, नॉट डॉटर, एंड आई एम प्लेइंग मनीषाज रियल डॉटर। So yeah, it's just a good film and I'm keeping my fingers crossed. अच्छा, आपके किरदार की अगर बात की जाए तो वो किस तरह का इसमें दिखाई देने वाला है? डॉक्टर है, पलक का कैरेक्टर है, एंड शी इज़ अ डॉक्टर, शी इज़ अ मदर ऑफ टू, एंड शी इज़ अ वेरी वेरी हेड स्ट्रॉन्ग गर्ल एंड पॉजिटिव कैरेक्टर है, एंड इससे ज़्यादा तो मेरे ख्याल से आपको मूवी देखनी पड़ेगी, देन यू विल कम टू नो व्हाट इट इज़। अच्छा, पॉलिटिकल सिनेरियो पूरा दिखाया गया है मूवी में, तो क्या कहना चाहेंगे आप अभी रिसेंट टाइम में इंडिया का अगर पॉलिटिकल सिनेरियो कहा जाए तो वो किस तरह से देखती हैं? हाउ मच यू आई डोंट नो मच अबाउट पॉलिटिक्स एंड डेफिनेटली ऐसी कोई कंट्री नहीं है जहाँ पर हर कोई सिस्टम से पूरी तरीके से खुश है, तो जहाँ पर प्लस पॉइंट्स हैं वहाँ पर माइनस भी हैं डेफिनेटली, एंड हर किसी को एक साथ खुश रखते हुए आगे एक कंट्री को बढ़ाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एंड इट्स नॉट पॉसिबल। सो जो है अच्छा है, अच्छे के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं एंड धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रहा है, बट हो रहा है, एंड
that's what I would want to say. अच्छा, बहुत सारे बॉलीवुड और टीवी एक्टर्स को देखा गया है कि ये आने वाले समय में उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया था, तो ऐसा अगर आपको कभी चांस मिले तो? नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है पॉलिटिक्स के बारे में, जो कि मैं करना तो चाहती थी, लेकिन जस्ट बिकॉज आई डोंट नो मच अबाउट पॉलिटिक्स एंड मैं बहुत बुरी हूँ पॉलिटिक्स में, आई एम वेरी बैड बींग डिप्लोमेटिक एंड वेरी बैड इन पॉलिटिक्स, बट येस आई वुड वॉन्ट टू हेल्प पीपल socially, I would want to help the society and animals. अब वो मैं पॉलिटिक्स में रह कर करूँ या उससे बाहर रह कर करूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज मेरा मोटिव है कुछ करना किसी के लिए, तो वो मैं कैसे भी कर सकती हूँ, नॉट नेसेसरी आई हैव टू बी इन पॉलिटिक्स टू डू समथिंग लाइक दैट. अच्छा, मूवी की कास्ट के साथ अगर बात की जाए तो किस तरह का आपका बॉन्ड बना उन लोगों के साथ में? काफ़ी फ्रेश एकदम नए नए लोग थे सबके साथ, तो क्या कहना चाहेंगे? सर, सत्यजीत के साथ एक इवेंट में पहले भी कर चुकी थी एंड सत्या ने मुझे याद दिलाया था, मुझे तो याद भी नहीं था. एंड देन अली इज़ अ स्वीट हार्ट, मतलब उसे क्या बोलूँ, भाई जैसे बोलूँ या फिर दोस्त बोलूँ, जो भी बोलूँ, बट बहुत ही क्यूट, बहुत ही प्यारा लड़का है, बहुत ही स्वीट हार्ट लड़का है. अमायरा इज़ फुल ऑफ लाइफ, शी इज़ अ फुल फन काइंड ऑफ अ पर्सन एंड ज़्यादातर अली और अमायरा के साथ मेरे सीन्स हैं एंड मेरी और अली की केमिस्ट्री सबसे अच्छी रही है एंड आई ऑल्सो अडोर हिम एज एन एक्टर, ही इज़ अ वेरी वेरी ब्रिलियंट एक्टर. सो बहुत अच्छे, मतलब इवन द एडीज एंड द प्रोड्यूसर्स ऑफ द फिल्म, ऐसा लगा नहीं कि यार ये प्रोड्यूसर है या ये एडी है, हम एक्टर हैं. सो इट वॉज वेरी वेरी गुड एंड अ हेल्दी एटमोसफियर वेयर वी वर वर्किंग, सो आई एम ग्लैड आई डिड दिस फिल्म. अच्छा, इसी के साथ साथ टीवी पर कब वापसी करेंगे आप, या फिर एकदम से टीवी से कमबैक अब नहीं होने वाला कभी? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, टीवी से ही मैंने शुरू किया था और टीवी तो मेरा घर है, तो टीवी इज़ माई ओन एंड ऐसा नहीं है दैट आई विल नॉट डू टीवी, बट अगर मुझे डेट्स इतनी अवेलेबल हैं देन डेफिनेटली आई डू टीवी एंड फिल्म भी अच्छी है. आई प्रेजेंटली व्हाट आई कैन मैनेज इज़ विद फिल्म्स, बिकॉज टीवी कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम ऑफ योर्स, सो फॉर नाउ आई डाउट आई बी डूइंग टीवी, बट आई डोंट नो, लेट्स सी. सो आई एम वेरी मच ओपन फॉर टीवी ऑल्सो, व्हाई नॉट.